हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल शशांक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपना खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप चले आइए अपने इंस्टाग्राम ऐप में। इंस्टाग्राम ऐप में जाने के बाद में जो है आपको जाना होगा अपनी प्रोफाइल वाले ऑप्शन में। प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद में ऊपर जो थ्री लाइंस खिंची रहती हैं, जो ऑप्शन रहता है, उस पर आपको करना होगा क्लिक। करने के बाद में नीचे देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करिए। करने के बाद में आपको इसमें हेल्प का ऑप्शन दिया हुआ है, हेल्प के ऑप्शन पे क्लिक करिए। करने के बाद हेल्प सेंटर का ऑप्शन है, हेल्प सेंटर के ऑप्शन को क्लिक करिए। करने के बाद में जो है ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा एक आपका हेल्प सेंटर पेज। इसके अंदर में आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेजिंग योर अकाउंट, मैनेजिंग योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद में आपको डिलीट योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिलीट योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हाउ डू आई डिलीट माय अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। देन नीचे जाना है, इसके बाद में गो टू द डिलीट योर अकाउंट पेज पे आपको क्लिक करना है। और इसके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा आप ब्राउज़र में कौन से ब्राउज़र में ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को आपको सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी ब्राउज़र पे आप सेलेक्ट करते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता है। करने के बाद में यहाँ पर आपका ये अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर आपने अपना अकाउंट जो है फेसबुक के थ्रू लॉगिन किया है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू विथ फेसबुक पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड अलग से रखा हुआ है आपके अकाउंट का, तो आपको यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी डाल देना है और यहाँ पे अपना जो है पासवर्ड डाल देना है, लॉगिन कर लेना है। फिलहाल मेरा जो है अकाउंट फेसबुक से कनेक्टेड है, तो मैं कंटिन्यू विथ फेसबुक कर देता हूँ। और यहाँ पे अपने फेसबुक की आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल लीजिए। आईडी पासवर्ड डालने के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है और आपका फेसबुक अकाउंट जो है उसके थ्रू आपका इंस्टाग्राम जो है लॉगिन हो जाएगा, बशर्ते आपकी आईडी और पासवर्ड आपकी जो है सही होनी चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ओपन हो चुका है। और आपको कंटिन्यू एज ये आपका यूज़र नेम दिया रहेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर आपके ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपका ऑप्शन वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, पेज ओपन होने के बाद में अगर ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो आप अपने ब्राउज़र में चले जाइए पीछे, जहाँ से आपने ऑप्शन पे क्लिक करा हुआ था उस पेज में आप चले जाइए। और अगर आपको जो है लिंक में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं डायरेक्ट आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उस लिंक पर डायरेक्ट जाके लॉगिन कर सकते हैं। फिर से आपको यही ऑप्शन पर जाना है, हाउ डू आई डिलीट माई अकाउंट, और यहाँ पर नीचे जाने के बाद में डिलीट अकाउंट योर अकाउंट पेज पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर लिंक पे आपको क्लिक करने के बाद में फिर से आपको ब्राउज़र पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपका आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी इस अकाउंट में डला हुआ है, तो उसी से अब लॉगिन आपका हो चुका है। व्हाई यू आर डिलीटिंग योर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, उसके नीचे का जो ऑप्शन उस पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में समथिंग एल्स पर क्लिक कर दीजिए, या आप जो भी करना चाहते हैं उसको लिख दीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड री एंटर कर देना है, वही पासवर्ड डाल देना है जो आपका ऑलरेडी इंस्टाग्राम का अकाउंट का पासवर्ड है। पासवर्ड डालने के बाद में नीचे परमानेंटली डिलीट माय अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। और ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, इस पर आपको ओके पे जो है क्लिक कर देना है। और अब जो है आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट हो चुका है, आपको मैसेज वहाँ बाकायदा आ जाएगा योर अकाउंट इज़ परमानेंटली डिलीटेड। तो दोस्तों, इस तरह से आपको